बड़े विचारों में डूबे हो, कोई नई समस्या? तुम जानते हो सब, बेटी का दुख बेटों से भी ज्यादा है। तुम्हारा कैसा शौक है कृष्ण महाराज, दूसरों के जख्मों को छेड़ने का, उनमें उंगलियां घुमाने का। तुम किसी न किसी तरह मुझसे ये मनवा लेना चाहते हो, तुम जीत गए मैं हार गया, इसलिए तो बार बार यहाँ आते हो। आनंद, अब बार बार का आना समाप्त हुआ, इस भेंट को तुम अंतिम भेंट समझो। ले, तुम्हारा कर्ज मौजूद है मेरे सर पे। कर्ज तुम अदा कर चुके हो। कैसे? कर्मा बैंक में दो खाते होते हैं, एक पुण्य का दूसरा पाप का। जो कुछ तुम दान करते हो वो पुण्य के खाते में जमा होता है और मुझे मिलता है। मैंने कौन सा दान किया है जो तुम्हें मिला है? तुमने जो अपने माली को 500 रुपए दिए हैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो मुझे को मिले हैं। अच्छा, मैं चला। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह मझधार में छोड़ के मत जाओ। देखो आनंद, ये मझधार भी तुम्हारा बनाया हुआ है, मेरा नहीं। इसमें तुम्हारी नौका डूबेगी या पार होगी ये तुम्हारी अपनी समझ पे है, अपनी शक्ति पे है। इस संसार को कुरुक्षेत्र समझो, जिसमें हर क्षण महाभारत का युद्ध हो रहा है, और कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। भटके हुए अर्जुन भी तुमको, रास्ता दिखाने वाले कृष्ण भी तुम हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, रास्ता दिखाने वाले तुम हो, तुम ही हो। मैं हाथ जोड़ता हूं, मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। फिर तुम वही भूल कर रहे हो आनंद, पहले तुम अपने धन अपने अहंकार को पकड़ के बैठे थे, अब मुझे पकड़ना चाहते हो, परंतु तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जैसे सूरज की रोशनी पकड़ी नहीं जा सकती, बुलाई जा सकती है, और उसे बुलाने का तरीका एक ही है, अपने बंद अंधेरे मन के दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो। तुम्हें मालूम है आनंद, तुम्हारे दुख का कारण कहां पड़ा है? तुम्हारे अहंकार में। केवल अहंकार छोड़ दो अपना, अहंकार छोड़ दो। किशन महाराज,